पिताजी ने कई इतिहास बनाए। एक तो इतिहास जिसे अन्ना जी ईश्वर का जीवन दान मानते हैं, तब बना जब युद्ध के अंदर अन्ना जी थे और उस युद्ध के अंदर उनके साथ के सभी लोग मारे गए, शहीद हो गए और अन्ना जी बच गए। लौट करके जब अन्ना जी लालेगंज में गए तो फिर वहाँ पर भी उन्होंने एक इतिहास बनाने का काम किया। उस गांव में जिसमें 40 भट्टियाँ शराब की होती थी उनको बंद कराया, जो गांव सूखा था उसके अंदर हरियाली लाई और उस गांव को न केवल स्वावलंबी बनाया बल्कि वहाँ की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का काम किया। नशा मुक्ति का ऐसा अभियान चलाया कि वहाँ पर आज भी 30 साल के बाद आज भी वहाँ पर गुटखा या पाउच या तंबाकू नहीं मिलता है। अन्ना जी ने यह भी रिकॉर्ड एक बनाया कि सब लोग स्कूल खोलते हैं और अच्छे से अच्छे बच्चों को पढ़ाते हैं। अन्ना जी ने ऐसा स्कूल खोला जिसके अंदर जो व्यक्ति, जो बच्चा एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो उसको उतनी ज़्यादा प्राथमिकता मिलती थी एडमिशन के अंदर, क्योंकि अन्ना जी ने माना कि सुधारने का हमारा काम है और जो बच्चे जितने ज़्यादा फेल हो रहे हैं इसका मतलब उन्हें सुधारने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है। साथियों, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि अन्ना जी ने एक और इतिहास बनाया। महाराष्ट्र के अंदर लगातार अलग अलग मुद्दों के ऊपर आंदोलन चला करके 7 कानून बनवाने का काम किया। यहाँ पर बहुत सारे आंदोलनकारी साथी बैठे हैं और पूरे देश के अंदर जो जन आंदोलन चलते हैं उसको भी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक कानून भी बनवाना बहुत कठिन होता है। अन्ना जी ने अपने आंदोलन के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर 7 कानून बनवाए और उसमें एक कानून ऐसा था सूचना के अधिकार का जो 2002 में महाराष्ट्र में लागू हुआ और उसके बाद में पूरे देश के अंदर 2005 के अंदर लागू हुआ, जिसको RTI के तौर पर लोग जानते हैं और जिसका इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे का साथियों आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद में जो इतिहास बना, जब अन्ना जी ने कहा कि हम एक जन लोकपाल बिल लाना चाहते हैं, इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, सरकार ने उनको जेल के अंदर डाल दिया और जो जन सैलाब उभरा, जिस तरीके का विरोध हुआ, अन्ना जी ने जब रामलीला ग्राउंड के अंदर अनशन चालू किया तो करोड़ों लोग उस अनशन के साथ में स्वतः प्रेरणा से खड़े हो गए। उससे बड़ा कोई आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर लगातार सतत तौर पर साथियों चला नहीं। हो सकता है कि मेरी इस बात के ऊपर कोई बहस करे कि उससे बड़े आंदोलन भी चले हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि एक साथ नानाजी, दादाजी, उनका बेटा और पोता, 4 पीढ़ियां एक साथ इस आंदोलन के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर शिरकत की और पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिरकत की। मैं ये भरोसे से कह सकता हूं कि इटारसी के अंदर भी पूरा का पूरा परिवार यहां पर आता होगा इस आंदोलन के समर्थन में। एक और इतिहास अन्ना जी ने रचा और वो इतिहास ये रचा कि जिस मध्यम वर्ग को और जिस युवा वर्ग के बारे में ये कहा जाता था कि ये खुदगर्ज है, ये शॉर्टकट मारता है, इसको अपने कैरियर से और अपनी हैसियत सुधारने के अलावा समाज और राष्ट्र से इसको ज़्यादा मतलब नहीं है, अन्ना जी के माध्यम से जो आंदोलन आपने चलाया उससे ये बात साबित हो गई कि अगर विश्वसनीय नेतृत्व हो तो मध्यम वर्ग और युवा वर्ग भी इस देश के लिए कुछ करने को तैयार है, मैदान के अंदर उतरने को तैयार है। एक इतिहास इस मायने में भी बना कि जो राष्ट्रीय ध्वज था हिंदुस्तान का, वो कभी कभी निकलता था, एक 15 अगस्त को निकलता था बच्चों के हाथों में या राष्ट्रीय बिल्डिंगों में या फिर 26 जनवरी को निकलता था, लेकिन अन्ना ने उस राष्ट्रीय ध्वज को एक एक भारतीय के हाथ में पहुंचाने का काम किया। पहली बार पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर के देश के अंदर साथियों निकले। अगला इतिहास एक और बना और वो इतिहास ये था कि आज तक आंदोलनों के आगे आमतौर पर सरकारें झुकती नहीं है, ये बात आप अच्छे ढंग से जानते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है, आपके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, मुल्ताई का किसान आंदोलन चलाया था, 75,000 किसान थे, लेकिन सरकार ने बात नहीं की, गोली चलवा दी, 24 किसानों की हत्या कर दी, शहीद कर दिया, 150 को गोली मार दी। ऐसा ही काम सुनील भाई और बहुत सारे साथी आंदोलनकारी साथी बैठे हैं। एक एक आंदोलन के अंदर होता यही है कि उसका दमन किया जाता है, फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं, आंदोलनकारियों को जेल भेजा जाता है और अगर मामला फंस जाए तो सजा भी कराई जाती है। उस मायने में
इस आंदोलन ने, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन ने एक इतिहास रचने का काम किया। इसने सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। सरकार छोटी चीज होती है, संसद बड़ी चीज होती है। संसद को बैठ करके संकल्प पारित करना पड़ा और उसके बाद में प्रधानमंत्री ने लिखित आश्वासन दिया। साथियों, जिस समय प्रधानमंत्री का पत्र पढ़ा जा रहा था, आप लोग टेलीविजन के अंदर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हम में से रामलीला ग्राउंड के ऊपर भी थे, सब लोगों को मालूम था कि नेता धोखाधड़ी करने के अंदर मास्टर होते हैं और ये जो बोल के जा रहे हैं ये पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। उस समय सवाल ये खड़ा था कि अन्ना जी कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करना चाहते हैं, संविधान से इतर कुछ करना चाहते हैं। कानून बनाने का अधिकार तो संसद और सांसदों को है, अन्ना जी पंच, सरपंच, विधायक, सांसद कुछ नहीं है और जबरदस्ती कानून बनवाना चाहते हैं। एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर जो कि जिसकी व्याख्या संविधान में नहीं है उसको खड़ा करना करके ये संविधान को चुनौती देने का काम करना चाहते हैं। सब लोगों का कहना था अन्ना जी अगर प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया, अगर संकल्प पारित संसद ने कर दिया तो फिर और क्या चाहते हो। और इसलिए ये जानते हुए भी कि ये धोखेबाज लोग हैं, पहले भी लगातार धोखा देते रहे हैं, अन्ना जी अनशन छोड़ करके उठ गए। इसके बाद में जो कुछ हुआ आप जानते हैं। अन्ना जी ने जब ये देखा कि पूरे देश के अंदर एक के बाद एक घोटाले, 5 लाख करोड़ के घोटाले सामने आ गए, तो 15 मंत्रियों को चिन्हित करके उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के आंदोलन चालू किया। लेकिन जो सरकार कल तक ड्राफ्टिंग कमेटी बना रही थी अन्ना जी की टीम के साथ में, उसने बातचीत करना भी गवारा नहीं समझा। और तब अन्ना जी ने कहा कि मैं फिर से लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं लोक जागृति फैलाऊंगा, लोक शिक्षण करूंगा, एक बार फिर से संसद लगाऊंगा, एक बार फिर से जन संसद लगा करके और फिर से जन लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए मैं संसद को मजबूर करूंगा। अन्ना जी आपके बीच में ये पूछने के लिए आए हैं कि जब मैं दिल्ली के अंदर फिर से आंदोलन करूंगा, फिर से जनसंसद बुलाऊंगा, तो इटारसी के नागरिक को आप साथ दोगे या नहीं दोगे। अगर दोगे तो हाथ खड़ा करके आप बताओ कि आप लोग साथ देने का काम करेंगे इस आंदोलन के अंदर जो आने वाले समय में अन्ना जी साथियों करना चाहते हैं। जनतंत्र यात्रा ये पंजाब के जलियांवाला बाग से शुरुआत हो गई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा और अभी मध्य प्रदेश में चल रही है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। ये भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ गई है, पारिवारिक लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमारी योजना है इसमें पूरा पॉपुलेशन लगा है, 1 रुपये से 10 पैसा गाँव में नहीं जा रहा। तो मैं 23 साल पहले से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, 23 साल हो गए। महाराष्ट्र में शुरुआत की भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन, और महाराष्ट्र के 33 जिला में 252 तहसील में हमारा संगठन बन गया। और ये संगठन बनने के कारण 7 कानून बनाए महाराष्ट्र में, सूचना का अधिकार, ग्राम सभा को पावर, दफ्तर दिरंगाई, एक टेबल का पेपर दूसरे टेबल में 7 दिन के अंदर जाना चाहिए, नहीं गया तो उस अफसर को फाइन करना, ऐसे 7 कानून बनाए। ये सूचना का अधिकार पहले महाराष्ट्र में बना, 10 साल उसके लिए लड़ा, आखिर मुंबई के आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने ये सूचना के अधिकार के कानून पर साइन किया और ये कानून महाराष्ट्र में 2002 में लागू हो गया। उसका अनुकरण भारत सरकार ने 2005 में किया और अभी पूरे देश में वो लागू हो गया, उसका लाभ अभी जनता को मिल रहा है। जैसे बड़े बड़े भ्रष्टाचार बाहर आ गए, 2G स्पेस घोटाला हो, खेल घोटाला हो, अपना हेलीकॉप्टर घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी घोटाला हो, ये बड़े बड़े घोटाले सूचना के अधिकार के कारण बाहर आ गए। इसलिए हम अभी जन लोकपाल के लिए पीछे पड़े हैं। जन लोकपाल, अगर जन लोकपाल का कानून बनता तो
तो 60-65% भ्रष्टाचार को ब्रेक लगेगा और सामान्य लोगों को न्याय मिलेगा। सामान्य लोग आज कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, पैसा नहीं दिया तो चक्कर काटने के लिए लगाते हैं। इसलिए सामान्य लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हमारी ये लड़ाई है। क्यों कि मैं 26 साल की उम्र थी मेरी, तब मैं मेरे जीवन का निर्णय लिया कि आगे के लिए जब तक जीऊँगा समाज की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए जीऊँगा, और जिस दिन मरूँगा समाज के और देश की सेवा करते करते मरूँगा, ये मैं निर्णय ले लूँगा। ये जीवन का निर्णय हो गया। मुझे खतरा लग रहा था कि शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए मैं तय किया कि शादी भी नहीं करना, मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, ये सोचकर बैचलर रहने का निर्णय लिया। अभी 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। अभी मैं अनुभव क्या करता हूँ, सिर्फ शादी किया नहीं लेकिन मेरा परिवार छोटा नहीं, 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार में करना था, पर छोटा ना करते हुए ये बड़ा परिवार बन गया, तब देश मेरा परिवार बन गया, बड़ा परिवार बन गया। ये बड़ा परिवार होने के कारण आवाज़ गुमता है, बड़ा परिवार होने के कारण बड़े परिवार में आनंद होता है, ये छोटा परिवार होता ना ये छोटे परिवार में दुख होता है। क्यों? छोटे परिवार में सब मेरा होता ना, 4 दीवारों के अंदर ये मेरा वो मेरा ये मेरा वो मेरा, लैटरिन का डब्बा गुम हो गया तो भी सोचते बैठता कहाँ गया क्या गया, मेरा कहता ना, अरे जन्म में आया खाली हाथ से जाता खाली हाथ से, तो इधर मेरा क्या है, कुछ मेरा नहीं, हमारा होना हमारा मेरा नहीं है? तो मेरा मेरे के पीछे दुख है, मैं अनुभव करता हूँ। अभी जब मैं सोचा कि शादी नहीं करना, मेरा घर है गांव में, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से कभी घर में गया नहीं। मेरे 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री पद्मभूषण, अमेरिका दक्षिण कोरिया कहाँ कहाँ अवार्ड मिले, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी मैं ट्रस्ट कर दिया। उसमें से ब्याज आता है, उस ब्याज से 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूँ, कुछ रखता नहीं जीवन में। 40 शराब की भट्टी थी गांव में, 40 भट्टी, चरितार्थ चलाने का साधन, शराब निकालना, बॉटल भरना, ट्यूब भरना, गांव गांव में बिक्री करना, बाल बच्चों को संभालना, 40 शराब की भट्टी थी। आज 16 साल हो गए गांव में किसी दुकान में बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं, 16 साल हो गए किसी दुकान में नहीं, 16 साल से बीड़ी सिगरेट खैनी बिक्री के लिए नहीं। तो ये अच्छा है, नशाबंदी का काम करना चाहिए, लेकिन उसके लिए लीडरशिप ये बहुत ज़रूरी है, लीडरशिप, सिर्फ शब्दों से काम बताकर नहीं होगा, शब्द और कृति को जोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ तक क्यों आ गया, मैं जब काम शुरू किया गांव से तो पहले हाथ में झाड़ू लिया, झाड़ू, सबरे सबरे लोग रास्ते के किनारे पर मैला करते हैं, तो मैं बताकर देखा, एक बार दो बार तीन बार नहीं मानते, आखिर मैं बाकेट लिया झाड़ू लिया और डेली मैला भरना और गड्ढे में डेकर डालना, जो गांधी जी ने किया, जो विनोबा ने किया, जो गाड़गे बाबा ने किया, जो टुकड़े जी महाराज ने किया, वो पहले काम मैं हाथ में लिया, झाड़ू हाथ में लिया और डेली मैला भरना। जब मैं ये शुरुआत किया तब लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हो गया, अरे हम लोग गंदगी फैलाते हैं और इनको ये भरने के समय आता है, मुसीबत आती है, तो लोगों के दिमाग में लाइट जगी और आज पूरा गांव साफ रखने लगे। तो शब्द और कृति को जोड़ना है, कथनी और करनी, फिर परिवर्तन आता है,
कथने और करने को जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ कथने से काम नहीं होता। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा है, कथनी मीठी खांड से, कथनी मीठी खांड से करनी मुश्किल होए, कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत होए। कथनी और करनी दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है तो एक परिवर्तन आएगा समाज में। ये काम हम करना है। समाज हमारे तरफ देखता है कि हमें बताने वाले व्यक्ति क्या खाता, क्या पीता, कहाँ रहता, कैसे चलता, कैसे घूमता, इसके तरफ समाज का ध्यान होता है। समाज के प्रमुख चलने वाले, आगे चलने वाले लोगों का चारित्र शुद्ध होना, चारित्र शुद्ध होना, आचार विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में दाग नहीं होना कोई, और जीवन में त्याग होना चाहिए। ये बातें अगर है तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं पहले, गांधी जी कहते थे देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना होगा, जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा।